Hello students, I am Joseph Kadir and you are watching Joseph Edit here. Class 10th chemistry में से हमने importance of chemistry इससे पहले start किया था. उस lecture के अंदर हमने पढ़ा था how to predict the direction of a reaction. And today we will discuss that what we can predict from the value of Kc about extent of reaction. Extent of reaction means कि रिएक्शन किस हद तक प्रोसीड हुआ है, आइदर ये शुरू होते ही रुक गया या फिर कंप्लीट हो गया या फिर इंटरमीडिएट में रह गया, यानी दरमियान में रह गया. तो आइए देखते हैं, इसके लिए चंद एग्जांपल्स मैंने यहां पे लिखी हुई है. H2+Cl2 एट 300 के इट प्रोड्यूसेस 2HCl and value of Kc is equal to 4.0 into 10 raised to power 31. Second example, H2+Br2, it proceeds at 300 K to HBr. The value of Kc is equal to 5.4 into 10 raised to power 18. And third reaction, N2+O2 proceeds at 298 K to NO. The value of Kc is equal to 4.8 into 10 raised to power minus 31. Fourth reaction I have written here, H2+I2, it proceeds at 700 K, 2HI, Kc value is equal to 57. Students, अगर हम किसी भी reaction के लिए Kc का expression लिखें तो उसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे यूं, Kc is equal to product हमेशा ऊपर, किसी reaction को मैंने end वाले के लिए लिखा हमने expression, HI कोएफिशिएंट 2 इसकी पावर देन रिएक्टेंट्स नीचे, या इसको यू भी लिख सकते हैं हम, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स. कि हम अगर ओवरऑल देखें तो इस एक्सप्रेशन के अंदर प्रोडक्ट्स ऊपर हैं और रिएक्टेंट्स नीचे हैं. तो इस तरह से एक और तरीके से अगर इसको सेपरेट करके लिखें तो हम यू लिख सकते हैं, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ओवर 1 × 1 बाय रिएक्टेंट. स्टूडेंट्स, हमें ये एक्सप्रेशन क्या बताता है? ये एक्सप्रेशन हमें ये बताता है कि Kc वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन के, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, क्योंकि प्रोडक्ट्स यहां पे एज अ न्यूमरेटर और रिएक्टेंट्स यहां पे एज अ डिनोमिनेटर आए हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर. तो आइए देखते हैं कि Kc का एक्सप्रेशन हमें क्या बता रहा है. Kc का एक्सप्रेशन ये हमें बताता है कि वैल्यू ऑफ Kc इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से यहां क्या मुराद है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से ये मुराद है कि अगर हम ये देखें कि Kc की वैल्यू जो है वो बड़ी है, लार्ज है, तो ये इसलिए है क्योंकि यहां पे प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो भी क्या है, ज्यादा है, यानी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो Kc की वैल्यू भी ज्यादा है. अगर कॉन्सेंट्रेशन कम है तो Kc की वैल्यू भी कम है. या दूसरे लफ्जों में हम ये कहें, जहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ज्यादा है तो इट मीन्स कि यहां पे रिएक्टेंट्स बहुत ही कम है, या हम ये कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल है, और ज्यादातर जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो गए. इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन कि अगर ये कम होंगे तो ये ज्यादा होगी, और अगर ये ज्यादा होंगे तो ये बहुत ही कम हो. तो आइए देखते हैं कि कम या ज्यादा से यहां पे क्या मुराद है. कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc जब हम कहते हैं इट इज वेरी बिग, इट इज वेरी लार्ज, और इट इज वेरी स्मॉल, और इट इज अ मॉडरेट वैल्यू, तो इससे क्या मुराद? इससे मुराद ये है वो रिएक्शन जिनमें Kc की वैल्यू ग्रेटर देन 10³ मीन 1000 से ज्यादा है, इट मीन कि Kc की वैल्यू बड़ी है, लार्ज है. स्मॉल कब है? व्हेन वैल्यू ऑफ Kc इज स्मॉलर देन 10⁻³, 1/1000 से कम है, इट मीन कि वैल्यू ऑफ Kc जो है ये बहुत ही छोटी वैल्यू है. और मॉडरेट वैल्यू किसको कहते हैं?
जो इन दोनों वैल्यूज के दरमियान में कहीं ना कहीं लाए करे, या इस रेंज के दरमियान में है, बिटवीन 10 -3 to 10 power 3। तो स्टूडेंट्स, आखिर ये वैल्यू हमें क्या बताती है? तो आइए एक नजर डालते हैं फिर से इन रिएक्शंस के ऊपर, और ये देखते हैं कि इनमें से कौन सी वैल्यूज जो हैं उनको हम कह सकते हैं दीज आर वेरी बिग वैल्यूज, वेरी लार्ज वैल्यूज, और कौन सी है जिनको हम कह सकते हैं दीज आर वेरी स्मॉल वैल्यूज। तो फर्स्ट केस 10 power 31, सो हियर ग्रेटर देन 10 power 3, 10 power 3 से ये बड़ी है, दैट्स वाई वी कैन से दैट इट इज वेरी लार्ज वैल्यू। इन द सेकेंड केस इट इज ऑल्सो वेरी लार्ज वैल्यू। इन द थर्ड केस -31, ये -3 से भी छोटी है। नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना ही छोटा होगा, इट मीन्स -3 -31 से बड़ा। तो यहां पे इट इज वेरी स्मॉल वैल्यू। बट इन द फोर्थ केस द वैल्यू लाइज बिटवीन 10 power 3 एंड 10 -3, तो दैट्स वाई हम कहेंगे ये मॉडरेट वैल्यू है, इट्स मॉडरेट वैल्यू ऑफ केस। तो स्टूडेंट्स, यहां पे जब हम इन वैल्यूज की बात कर रहे हैं, एक बात आप समझ लीजिए कि रिएक्शन वैल्यू के लिहाज से तीन कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं। फर्स्ट सिनेरियो क्या है? फर्स्ट सिनेरियो हम कह सकते हैं वो रिएक्शंस हैं जिनकी केसी की वैल्यू, यानी जब वो इक्विलिब्रियम पर होते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाते हैं, वो जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी होती है, क्योंकि मोस्टली जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज होगा, और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन जब भी ज्यादा होगी वैल्यू केसी की वो भी ज्यादा होगी, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट और वैल्यू ऑफ केसी। इट मींस रिएक्शन ऑलमोस्ट गोज टू कंप्लीशन, रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, ये रिएक्शन ऑलमोस्ट क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं, और इसमें रिएक्टेंट्स जो हैं नेग्लिजिबल हैं, बट प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सेस में पाए जाते हैं। तो ये ऐसी टाइप है रिवर्सिबल रिएक्शन की, ऐसी टाइप है जिसमें ज्यादातर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं। इट मीन्स अगर किसी भी रिएक्शन की वैल्यू केसी वैल्यू वो बहुत बड़ी है, इट मीन्स कि वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं, और उस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ज्यादातर प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं। सेकंड टाइप वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी, 2NH3 एंड 2 3H2, एग्जाम्पल रिटन हेयर केसी इज इक्वल टू 3.0 × 10⁻⁹, वेरी स्मॉल वैल्यू। तो वेरी स्मॉल वैल्यू कब होगी? जब ज्यादातर रिएक्टेंट्स रिएक्टिंग मिक्सचर के अंदर मौजूद है, इट मींस रिएक्शन अभी स्टार्ट हुआ ही था कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या हो गए? इक्वल हो गए। इसमें हम क्या कहेंगे? रिएक्शन डज नॉट गो टू कंप्लीशन, ऐसे रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते। एंड सेकेंडली, इन द रिएक्शन मिक्सचर मोस्टली रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज नेग्लिजिबल, ना होने के बराबर है। थर्ड केस मॉडरेट वैल्यू ऑफ केसी, द केसी वैल्यू रेंजेस बिटवीन 10 -3 to 10 power 3 एंड 2O4 रिवर्सिबल रिएक्शन 2NO2, द केसी वैल्यू इज इक्वल टू 0.211। ये एक मॉडरेट वैल्यू है, क्योंकि ये 10 -3 और 10 positive 3 के दरमियान में कहीं पाई जाती है, इसलिए हम कहते हैं ये एक मॉडरेट वैल्यू ऑफ केसी है। इसमें क्या होता है? रिएक्शन स्टार्ट हुआ और
ऑलमोस्ट कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, दोनों की कंपेरेबल अमाउंट मौजूद है। इस सूरत में इक्विलिब्रियम कब एस्टेब्लिश हुआ? जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंपेरेबल अमाउंट मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, एक बात तो यहां पे बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि इक्विलिब्रियम जो है वो रिएक्शन में किसी भी जगह पे एस्टेब्लिश हो सकता है। इक्विलिब्रियम का कॉन्सेंट्रेशन से कतन कोई लेना देना नहीं। इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम, सिर्फ इक्विलिब्रियम की हद तक मैं बात कर रहा हूं कि ऐसा होता है कि थोड़े से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हुए, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ, ये रिएक्शन आ गया रिवर्सिबल। फिर एक और टाइप के रिएक्शंस हैं, सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो गए, फिर रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ। फिर यहां पे ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। तो ये तीन किस्म की प्रेडिक्शंस हम वैल्यू ऑफ केसी को लेकर कर सकते हैं अबाउट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन किस हद तक आगे बढ़ेगा उसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। तो इसमें तीनों टाइप्स आपने पढ़ लिए। बहुत शुक्रिया।